नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लूसेंट जीके का क्वेश्चन आंसर लाया हूं और ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कानून से संबंधित प्रश्न उत्तर है और ये मैं तीसरा पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका ए सही है, प्रस्तावना को। प्रश्न दो, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका ऑप्शन ए है प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका ए सही है, प्रस्तावना पर। प्रश्न तीन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो इसका डी सही है, हम भारत के लोग। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका भी सही है, यह राज्यों का एक संघ है। प्रश्न पांच, भारत है एक। इसका ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए सही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रश्न छह, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी सही है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। प्रश्न सात, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका ऑप्शन ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका डी सही है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न आठ, गणतंत्र होता है? ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका भी सही है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। प्रश्न नौ, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सी सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही है, ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रश्न 11, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए है
सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सी सही है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। तो इसका डी सही है, लोक कल्याण। प्रश्न 12, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन ए है अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। प्रश्न 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन ए है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका ए सही है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? इसका ऑप्शन ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम संपन्न, बी सार्वभौम संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी सार्वभौम संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। तो इसका डी सही है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। प्रश्न 12, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका ए सही है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, दूसरा है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं दोस्तों यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, हाँ यह सही है, चौथा है यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं ये भी गलत है। इसका ऑप्शन पहला और तीसरा है, तो इसका बी सही होगा। प्रश्न 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका ऑप्शन ए है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका बी सही है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रश्न 19, समाजवाद का अर्थ है? इसका ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सी सही है सामाजिक न्याय। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका डी सही है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना को,
बी मूलभूत अधिकार को, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए है प्रस्तावना को। प्रश्न 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका ए सही है हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रश्न 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, डी चीनी क्रांति 1912। तो इसका डी सही है चीनी क्रांति 1912 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलक नहीं दिखती है। प्रश्न 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली स्थान है। इसका ऑप्शन ए है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए है भाग एक में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी भाग तीन में, ऑप्शन डी भाग चार में। इसका ऑप्शन बी सही है प्रस्तावना में। प्रश्न 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो इसका सी सही है गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। प्रश्न 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रश्न 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसका ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका डी सही होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी सही है उपयुक्त सभी। प्रश्न 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो ऑप्शन ए है जनता में, बी मतदाता में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। तो इसका ऑप्शन ए सही है जनता में। प्रश्न 31, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की अटूट बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी मूल कर्तव्य में। तो इसका ऑप्शन ए सही है प्रस्तावना में। प्रश्न 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है।
इसका ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्ययन में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन में, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सी सही है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। प्रश्न 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो इसका ए सही है प्रस्तावना में। प्रश्न 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए है संविधान का स्रोत, ऑप्शन बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि, डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। तो इसका सी सही है संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका डी सही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन ए है भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सी सही है भारत और इंडिया। प्रश्न 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। तो इसका डी सही है भारत की जनता द्वारा। प्रश्न 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका ऑप्शन ए है भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। तो इसका डी सही है भारत की जनता में, भारत की संप्रभुता निहित है। प्रश्न 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। तो इसका ए सही है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। प्रश्न 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी सही है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। प्रश्न 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका सी सही है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन ए सही है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। प्रश्न 43, इस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका ऑप्शन ए है
1947 में, बी 1951 में, सी 1935 में, डी 1950 में। तो इसका डी सही है, 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। प्रश्न 44, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। तो इसका सी सही है, 1 बार। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। प्रश्न 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1976 ईस्वी में भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रश्न 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। तो इसका डी सही है, पूजा की समानता। तो इसका डी सही है, पूजा की समानता। प्रश्न 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यही बताना है। तो पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 1949 की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे तीनों शब्द। प्रश्न 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहमति से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, दूसरा इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तीसरा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, चौथा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसका बी सही है, केवल 1, 2 और 4। इसका तीसरा गलत है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी पहला दूसरा और चौथा सही है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम में किए गए थे। इसका ऑप्शन ए है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका सी सही है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। प्रश्न 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। तो इसका बी सही है, प्रजातंत्र। प्रश्न 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका ऑप्शन ए है 41वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका बी सही है, 42वें संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रश्न 53, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 जनवरी 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका ए सही है, 26 जनवरी 1950 को।
प्रश्न 54 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया। इसका ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। तो इसका डी सही है समाजवाद, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 55 भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डी संविधान की नवी अनुसूची। तो इसका बी सही है संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न 56 भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, सहमति एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 3-5-2-1, ऑप्शन बी 1-3-5-2, ऑप्शन सी 2-5-3-1, ऑप्शन डी 5-2-1-3। तो इसका ए सही है 1-5-2-1। तो इसका ऑप्शन ए सही है 3-5-2-1। प्रश्न 57 भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो इसका बी सही है भारत के लोग। तो दोस्तों लूसेंट जीके का पार्ट 3 संविधान की प्रस्तावना पूरा होता है। इसके बाद 4 पार्ट संविधान की विशेषता पर ला रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मददगार साबित हो रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लूसेंट जीके से जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।